हेलो एंड वेलकम गाइस, कैसे हैं? आई होप यू विल बी बेटर। एंड अभी रात के बज रहे हैं लगभग 12:08 हो रही है और वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं आप सभी के लिए, है ना। तो प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के फिजिक्स के जितने भी क्वेश्चन हो पाएंगे सारे मैं आप लोगों के करवाने की कोशिश करूँगा। मतलब अब हमारा डेली प्लान रहेगा कि लगभग हम जितने क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे उतने क्वेश्चन तो हम डेली प्रैक्टिस करें ही करें। मतलब 33 क्वेश्चन की हम डेली प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस आप लोगों की हो जाएगी। और जिन स्टूडेंट्स को मेरे मॉडल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गैस पेपर अगर लेने हैं तो मैं आप लोगों को नंबर यहाँ बता देता हूँ, 9828306559। ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पर आकर आप मुझे मैसेज करें कि हमें जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेने हैं, मात्र 100 रुपये में मैं दे रहा हूँ। तो जिन भी स्टूडेंट्स को लेने हैं वो क्या कर सकता है, आकर ले सकता है ना। तो मात्र 100 रुपये में दे रहा हूँ, जिन भी स्टूडेंट्स को लेने हैं वो मैसेज कर सकता है। अभी रात में 12:10 हो रही है और बारिश बहुत तेज़ आ रही है बाहर को, तो अच्छा मौसम है। चलिए वीडियो हम करते हैं फटाफट से। चलिए तो सबसे पहला जो क्वेश्चन रहेगा, आंसर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा नहीं, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को दिख गया होगा बट अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उसका आंसर नहीं दिख पाएगा आपको, है ना। तो क्वेश्चन नंबर जो है वो है 35 एंड क्वेश्चन जो कह रहा है वो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है इसका मात्रक क्या होता है, चार्ज, मोमेंटम, पोटेंशियल डिफरेंस या एनर्जी, आवेश, संवेग, विभव का परिवर्तन या ऊर्जा। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ। प्लीज़ आप लोगों के लिए इतना कर रहा हूँ तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ में एक बार इसको शेयर कर दें। बस इतना सा काम आपको करना है, ज़्यादा नहीं करना है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आप लोगों ने इसका जो राइट आंसर है वो देख लिया था, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इसका आंसर मैं आप लोगों को नहीं दिखाऊंगा ना। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 36 है हमारा, क्योंकि ऊपर जो क्वेश्चन थे वो क्या थे, 34 तक वो बायोलॉजी के क्वेश्चन थे। किसके थे? बायो के। अभी हमारे पास में जो क्वेश्चन है ये है फिजिक्स के। तो बताइए कि ए जेनर डायोड कैन बी यूज्ड एज, एक जेनर जो डायोड होता है वो किसके लिए उपयोग किया जाता है। तो जेनर डायोड का उपयोग किया जाता है किसके लिए, फुल वेव रेक्टिफायर यानी कि पूर्ण तरंग दिष्ट कार्य के रूप में, एसी वोल्टेज रेगुलेटर, डीसी वोल्टेज रेगुलेटर या हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए जो है यूज में लिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर सभी को बताना है, क्या इसका राइट आंसर होगा, बताइए क्या इसका राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 36 है इसका राइट आंसर देख लेते हैं, क्या इसका राइट आंसर होगा। तो बताइए ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि डीसी वोल्टेज रेगुलेटर जो है एक जेनर जो डायोड होता है उसमें यूज में लिया जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 लेते हैं। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 37 है कि इसमें ये इसकी वजह से थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा। तो द इफ़ द एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर इज द जो इसका जो कोण रहेगा वो रहेगा 60 डिग्री, देन द नंबर ऑफ इमेज एन ऑब्जेक्ट, आगे फिर दिखाई नहीं दे रहा, मिरर विल बी, शायद ऐसा ही कि दो समतल दर्पण के बीच में यदि कोण 60 डिग्री का है तो किसी वस्तु के प्रतिबिंबों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, यानी कि जो प्रतिबिंब रहेंगे उनकी संख्या कितनी होगी वो आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए क्या इन्फिनेट अनंत होगी, 5 होगी 6 होगी या 7 होगी, बताइए। क्वेश्चन नंबर जो 37 है इसका राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर आपको बताना है। तो बताइए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर, मैं बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कि जो 60 डिग्री पर जो प्रतिबिंबों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, वो होगी 5, कितनी होगी 5 होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट थोड़ा करेंगे ताकि हमारे क्वेश्चन जो है वीडियो भी लंबी ना हो और हमारे क्वेश्चन भी हो जाएं। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 38 है इसको एक बार मैं पढ़ देता हूँ, इसके बाद आप लोगों को इनके आंसर देने हैं। द फ्यूल यूज इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इन इंडिया, यानी कि भारत में नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है, क्या यूरेनियम 235 यानी 235 लिया जाता है, यूरेनियम 236, यूरेनियम 238 या यूरेनियम 239 यूज में लिया जाता है, बताइए क्या इसका राइट आंसर होने वाला है। तो
तो क्वेश्चन नंबर जो 38 है इसका राइट आंसर आई होप आप लोगों ने सोच लिया होगा, और इसका जो है राइट आंसर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्या होगा? यूरेनियम 235। कितना होगा? यूरेनियम 235 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें उससे पहले आप सभी को एक चीज़ बताना चाहूँगा। मैं फिर बता रहा हूँ, अगर किसी स्टूडेंट्स को मॉडल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गैस पेपर ये सभी लेने हैं, मात्र 100 रुपये मैं दे रहा हूँ, और उनसे आप लोगों की एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। पिछली ईयर के मैं आप लोगों को कुछ स्टूडेंट्स जो है मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाल रखे हैं, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं, उनको मैंने क्वेश्चन दिए थे, है ना, तो उन लगभग सभी के 60 से ऊपर नंबर है, और सभी को मैंने गवर्नमेंट कॉलेज दिलवाई है, तो उनकी काउंसलिंग भी मैंने ही करी थी। तो अगर आप मॉडल पेपर लेते हैं तो बहुत आगे तक आप लोगों को जो हेल्प हो जाएगी। तो जिन भी स्टूडेंट्स को लेने हैं दोबारा बता देता हूँ, 9828306559 ये मेरे WhatsApp नंबर है, इस नंबर पर जाइए, मैसेज करिए कि हमें जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉडल पेपर, गैस पेपर और जितने भी नोट्स हैं सभी चाहिए, तो आप लोगों को मात्र 100 रुपये में दे रहा हूँ, और मात्र 100 रुपये में भाई इतनी चीज़ें दे दूंगा कि आप ये कहोगे कि हाँ सफिशियंट है 100 रुपये में। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि अभी देखो लाइट भी जा चुकी है बट रिकॉर्डिंग तो अपन करेंगे इसके, है ना। क्वेश्चन है कि एक आदर्श वोल्ट मापी का प्रतिरोध कितना होता है? तो द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्ट मीटर क्या होगा? तो क्या वेरी लो होगा, वेरी हाई होगा, इन्फिनेट होगा या जीरो होगा? बताइए कमेंट करके इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो 39 जो होगा क्वेश्चन नंबर, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर जो 39 है इसका जो राइट आंसर होगा मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर जो सी है यानी इन्फिनेट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं प्लीज़ आप मेक श्योर ये कर लें कि आप जो क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं वो आपका सही है या गलत है, बस इतना सा आप ध्यान रखें। अगर आपका गलत है तो आप इस वीडियो को एक बार दोबारा देख लें और कंप्लीट इनको याद कर लें, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में से आप लोगों को मैं करवा रहा हूँ, तो ये कई बार रिपीट हो जाते हैं क्वेश्चन ऐसे कैसे, है ना, तो प्लीज़ आप इनको एक बार अच्छे से कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, और क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 40 कि द, इधर कर लेते भाई इसको, कि द टॉर्क्यू एक्शंस ऑन द डाइपोल ऑफ मोमेंट वेक्टर पी इन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई, यानी कि विद्युत क्षेत्र में सदिश ई में सदिश पी आघूर्ण के द्विध्रुव गुण की क्रियाशीलता, या सॉरी क्रियाशीलता आघूर्ण है। इसमें थोड़ा सा ये वाटर मार्क की वजह से थोड़ा सा दिक्कत है, बाकी क्वेश्चन आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन ए है कि पी सदिश डॉट ई सदिश, पी सदिश इंटू ई सदिश जीरो, या ई सदिश डॉट पी सदिश, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आई होप क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है इसका राइट आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 40 है इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पी सदिश इंटू, देखिए क्या है, पी सदिश इंटू ई सदिश, क्या है, पी सदिश है इंटू ई सदिश है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वाटर मार्क की वजह से थोड़ा सा गाइस दिक्कत हो रही है, बाकी कोई नहीं, करते हैं मैनेज इसको भी। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत क्षेत्र ई पर अनुगमन वेग वी डी की निम्नलिखित में से कौन सी निर्भरता में ओम के नियम का पालन होता है, ये आप लोगों को देखना है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डिपेंडेंस ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ओम्स लॉ पर जो है ये मतलब ओम्स के जो नियम है उनका पालन करती है। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जितने भी स्टूडेंट्स आंसर दे रहे हैं सभी एक बार जो है मन में आंसर ज़रूर सोचें, ये नहीं कि मैं आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ फिर आंसर आप लोगों को बता रहा हूँ, ऐसा ना करें। आप क्या करें, क्वेश्चन को पढ़ें फिर आंसर जो आप लोगों को लग रहा है कि हाँ ये आंसर मेरा होना चाहिए तो आप एक बार मन में ज़रूर सोचें, ताकि अगर आपका क्वेश्चन सही निकले तो फिर वो आप कभी भूलोगे नहीं, गलत भी निकले तो फिर आप लोगों को याद रहेगा कि हाँ इस क्वेश्चन का ये आंसर था, ठीक है ना। चलिए
तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी क्या है। ऑप्शन नंबर डी है कि वी डी इज प्रोपोर्शनल टू ई, वी डी इज प्रोपोर्शनल टू ई, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किरचॉफ के नियम में संरक्षित जो राशि है वो क्या होगी। तो एक बार हम क्वेश्चन यहाँ से पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद में ऑप्शन देखते हैं कि इन किरचॉफ द करंट लॉ ऑफ द कंसर्न क्वांटिटी इज, किरचॉफ लॉ में धारा नियम में संरक्षित जो राशि है वो कितनी रहती है वो आप लोगों को बतानी है। तो ऑप्शन यहाँ पर आप देख लीजिए, ऑप्शन है एनर्जी, मोमेंट, चार्ज और मास। तो बताइए क्या इसका राइट आंसर होगा। चलिए बता देते हैं, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो चार्ज आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और इसका जो आंसर है वो आप लोगों को दिख गया है, तो छोटा सा थोड़ा कर देता हूँ मैं इसको। चलिए अब देखिए कि क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ कि एक प्राथमिक सेल की विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट है, तो लघु परिपथ कर देते हैं इसको, सॉरी लघु पथित कर देते हैं, हिंदी क्या है आई डोंट नो, तो यह 4 एम्पियर धारा देता है, तो इसका आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा। 0.5 ओम, 5 ओम, 2 ओम या 8 ओम। तो 5 ओम जो है 0.5, कितना, 5 नहीं 0.5 ओम इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नहीं आया है एक बार दोबारा देख लीजिए क्वेश्चन, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि एक परिपथ सेल का विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट है जो लघु पथित कर देता है, तो यह 4 एम्पियर धारा देता है, तो इसका आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा। ठीक है ना, इंटरनल रेजिस्टेंट जो है आप लोगों को निकालना था, तो 0.5 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है गाइस, नेक्स्ट जो अपन वीडियो करेंगे या वीडियो जो भी आएगी उसमें अपन ये क्या करेंगे, वाटर मार्क को थोड़ा लूज कर देंगे ताकि क्वेश्चन अपन को समझ में आए। क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो रहा है तो समझ में नहीं आ रहा है। चलिए देखते हैं कि द पाथ ऑफ, पता नहीं क्या है, हिंदी में देख लेते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में लघुपथित दिशा में गमन करते हुए आवेशित कण का जो पथ है वो क्या होता है। दीर्घ, वृत्ताकार होता है, वृत्ताकार होता है, परवलय होता है या लीनियर यानी रेखीय होता है, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 है, इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सर्कुलर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र में लघुपथित दिशा में गमन करते हुए एक आवेशित कण का पथ जो है वो कैसा होगा, वो होगा वृत्ताकार। कैसा होगा, गोल गोल वृत्ताकार होगा। जैसे आपने चुंबक देखी होगी ना, चुंबक कैसी होती है, गोल होती है उसके सेंटर, और अगर जो चुंबक के 2 अपोजिट पोल को पास में लाते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, रिपल्सन होता है, रिपल्सन होता है, अट्रैक्शन नहीं होता, सॉरी अपोजिट को लाएंगे तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। बट अगर अपन सेम सेम लाएंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव लाएंगे तो क्या होगा, रिपल्सन होगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 45 है वो क्या कह रहा है, जरा सुनिए कि द एंगल ऑफ डिप एट अर्थ मैग्नेटिक पोल क्या हो। तो पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नति नमन कोण कितना होता है, 45, 30, 0 या 90। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नति कोण का मान कितना होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, आई होप आप लोगों ने सोच लिया होगा। चलिए बता देता हूँ, 45 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो नति कोण होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री पर होता है। कितना होता है, 90 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है फिर से आप सभी के सामने, देख लीजिए गाइज जो पेपर आए थे वो उनमें फिजिक्स के में किस तरीके के क्वेश्चन आए थे। अब आप लोगों को यहाँ पर न्यूमेरिकल जो है ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 दिखे होंगे, बाकी सब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं कि अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति ये है और परम ताप जो है उसका टी है, तो बीच में इन दोनों के बीच में क्या संबंध होगा। अब बताओ ये न्यूमेरिकल थोड़ी ना है,
ये क्या है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, और फॉर्मूला सीट मैं आप लोगों को 100 रुपये के साथ में दे रहा हूँ। तो प्लीज़ आप जिनको भी मेक श्योर कर लीजिए कि किन स्टूडेंट्स को लेनी है किन को नहीं लेनी है, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए, ठीक है, कि आप लेवल कहाँ है आप लोगों का, तो आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 46 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में हम गाइज आज करते हैं थोड़ा क्वेश्चन, कभी लाइट की भी प्रॉब्लम है थोड़ी सी। चलिए क्वेश्चन नंबर जो अपना है 47 क्या कह रहा है, देखिए कि लेंज का नियम प्रतिफल है, संरक्षण का नियम, लेंज का जो लो है वो कंसिक्वेंस है ऑफ द लो ऑफ, फिर दिखाई नहीं दे रहा उसमें, तो लेंज का जो नियम है प्रतिफल संरक्षण का नियम, आवेश यानी चार्ज के, मोमेंटम संवेग के, मास यानी द्रव्यमान के, और एनर्जी यानी ऊर्जा के। तो 47 का राइट आंसर फटाफट से बता देते हैं, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एनर्जी के ये होता है। क्वेश्चन नंबर लेते हैं अपन 48 क्या कह रहा है, देखिए कि ये 48 को अपन छोड़ते हैं, ये थोड़ा न्यूमेरिकल है, इसको छोड़ते हैं, बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से और सॉल्व करके मेरे को आंसर आप भेजिएगा। इस वीडियो को नीचे कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर आप लोगों को यहाँ पे पता भी लग गया है, बट आप एक बार सॉल्व करके देख लीजिएगा इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 लेते हैं, 49 क्या कह रहा है कि दोलन करने वाले LC परिपथ की जो आवृत्ति होती है वो क्या होती है। आई होप आप लोगों को पता होगा, जो मैं फॉर्मूला शीट दिया हूँ उसके अंदर ये सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन सारे उधर हैं, तो प्लीज़ आप ले लीजिए मात्र 100 रुपये में, 100 रुपये में कुछ नहीं जा रहा आप लोगों का। 9828306559 ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पर आप मुझे मैसेज करो, फिर आप लोगों को जो पेमेंट के नंबर होंगे वो बता दिया जाएगा, और कैसे क्या भेजेंगे, कितने क्या PDF है, सारी चीज़ जानकारी उधर मिल जाएगी। तो LC परिपथ जो होता है उसकी आवृत्ति, दोलन करने वाले LC परिपथ की जो आवृत्ति होती है वो कितनी होती है, 1 अपॉन 2 पाई रूट LC या 1 अपॉन रूट LC, 1/LC या LC। तो ऑप्शन नंबर जो ए है उसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर क्या है, 1 अपॉन 2 पाई रूट के अंदर LC इसका राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर लास्ट लेते हैं आज अपन 50 तक करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि अभी लाइट प्रॉब्लम है, लाइट है नहीं यहाँ पे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर जो 50 है वो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 50 है कि विद्युत धारा को परिभाषित कीजिए, विद्युत धारा जो है उसकी परिभाषा क्या होगी, एम्पियर ने, मतलब विद्युत धारा को परिभाषित किसने किया था, डिस्प्लेसमेंट करंट वाज डिफाइन बाई, किसके द्वारा डिफाइन किया गया था, एम्पियर ने, फैराडे ने, मैक्सवेल ने या गॉस ने। तो सभी को पता है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैक्सवेल इज़ द राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। बाकी मिलते हैं गाइज आप लोगों से नेक्स्ट लाइव सेशन में या नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है थोड़ी बहुत भी, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट छोड़ के जाएं, और कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही निकले हैं वो भी आप मुझे बता के जाएं। बाकी मैं मिलता हूँ गाइज आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत नमस्कार। और फिर बता रहा हूँ जिन स्टूडेंट्स को लेने हैं, नंबर ये रहे 9828306559 ये मेरे व्हाट्सएप नंबर हैं, इस पर आकर आप मुझे मैसेज कर देना, आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है। 100 रुपये का पेमेंट है, पेड है वो कोर्स, मतलब नोट्स थोड़े से पेड है, तो प्लीज़ आप समझिए। बाकी मैं मिलता हूँ आज नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत नमस्कार।